हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि वाईफाई स्टडी पे अपन लोग करते रहते हैं, जहाँ पे एग्जाम के आपकी प्रिपरेशन के अलावा भी बहुत सारा डिस्कशन है जो की होता है। तो आज एक पैनल डिस्कशन है जो की यहाँ पे हो रहा है, और मेरे साथ में यहाँ पे साहिल सर है, यहाँ पे शुभ्रा मैम है, और आपके प्यारे नीरज सर भी यहाँ पे हमारे साथ में अवेलेबल है। तो हम लोग एक बहुत अच्छा डिस्कशन है जो की आने वाले 15-20 मिनट में करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे व्यू थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ओके? तो इसीलिए मैं इसको नाम जो है वो पैनल डिस्कशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पैनल वाली प्रॉपर फीलिंग आए। और हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले गाइस, आने वाले 2 से 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी है एग्जाम की, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको करना है, कैसे मेंटली जो है आपको स्ट्रांग रहना है, कंप्लीट हम जो बातें करने वाले हैं आने वाले 15 मिनट के अंदर, ठीक है गाइस? तो सबसे पहले तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के बीच में, क्योंकि आपको इस 15 मिनट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलने वाले हैं। आपको नीरज सर एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कैसे आपको आगे बढ़ना है, साहिल सर करने वाले हैं, और साथ में आपको शिप्रा मैम भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपको बताने वाले हैं कि 2 से 3 महीने में हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। आपको मालूम है 12th के बोर्ड भी जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, तो अब प्रॉबेबली ये है कि अगस्त के अंदर जो है वो कोविड के बहुत कम केसेस हो जाएंगे, वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो हमें 2 महीने कैसे निकालने हैं उसके बारे में कंपनी डिस्कशन करेंगे। तो साहिल सर, आप क्या बच्चों को यहाँ पे बताने जाएंगे सबसे पहले 2 महीने को लेकर? देखिए सर, मेंटली बच्चा बहुत परेशान है इन दिनों, क्योंकि जैसे कि पैंडेमिक भी आ गया है, हर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विद्यार्थी या फिर कोई भी ह्यूमन जो भी है, जितने भी लोग हैं, ये तीनों तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इस समय। तो इस समय काफ़ी, मतलब ये अच्छा समय नहीं चल रहा है। अगर कोई किसी भी इंसान से पूछो जो काम कर भी रहा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, जो बैठा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। जो काम जिसको दिया गया है असाइन, वो काम मन से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फिट नहीं है सब लोग। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अपने आप को पहले पॉजिटिव जोन में रखें, क्योंकि नेगेटिविटी तो चारों तरफ है। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं या आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लें, तो आपको कहीं से पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं। कि हम भी तो आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आपके अंदर एक छोटा सा मैसेज कन्वे कर सके कि जो पॉजिटिविटी है खुद के अंदर से लाओ कि यार ये जो समय है इसको मैं यूज ही कर लेता हूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। और मैं तो कहता हूं कि ऑनलाइन मीडियम इतना बढ़िया मीडियम हो चुका है जिससे कि हम चारों भी आपके साथ मिलकर बातें कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर बातें कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता सर कि पढ़ाई के अलावा एक स्टूडेंट के जीवन में इस समय कोई जरूरी काम हो सकता है और जो घर बैठे किया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा हर स्टूडेंट से, भाई पॉजिटिव रहो, यही सबसे अच्छी चीज है। एक बुरे वक्त को निकालने के लिए अच्छी चीजों को याद करो बस, जो कि हम आपके साथ मिलकर बातें कर रहे हैं। तो इस लम्हे को एंजॉय करो, क्लासेस को एंजॉय करो। अब मैं चलूंगा नीरज सर के पास। नीरज सर, आपकी क्या राय है इन स्टूडेंट्स के लिए इस समय से उभरने के लिए, आप बताइए सर। जैसे सर पिछले अगर बात करें तो बच्चों के जो कॉमन डाउट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं सर, पेपर होगा भी या नहीं होगा। तो देखो, पहली बात तो मन से बिल्कुल भी ऐसा निकाल दो कि आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन पेपर की डेट आ गई उस दिन आपके पास में कुछ ऑप्शन नहीं होगा कि सर अब क्या करें। तो सेम कंडीशन देखो लास्ट ईयर भी आई थी, तो जब आपकी कंडीशन नॉर्मल हुई थी, कोविड के केस कम हुए थे, तो आप लोग के पेपर भी हुए थे। आपको पता है आपने सभी ने एनटीपीसी सीबीटी बन दिया है, तो अभी भी आप लोग जो ग्राफ देख रहे हो कुछ उसी और अग्रसर है, मतलब कोविड के केस कम हो रहे हैं। तो आप लोगों का आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आप लोगों का पेपर होगा ही होगा। तो अभी आपके पास में क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है कि चलो अब तो बैठ जाए कि अब जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग इस 2 से 3 महीने के दौरान कॉम्पिटिशन में इतना पीछे हो जाने वाले हो अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ में अगर बैठे हो, क्योंकि आपने मेहनत करी है पिछले 1 साल में 1.5 साल में, बट वो लास्ट के 2-3 महीने में आप लोग उसको पूरा वेस्ट नहीं करते। आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो मानते हैं कि हाँ चलो सर अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, तो अभी तो वो ऑप्शन भी नहीं है कि आप घूम सकते हो। और ऑब्वियसली अगर घूम भी रहे हो तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि कोविड केसेस अभी है, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से गया नहीं। तो मतलब मेरा ये सजेशन रहेगा सभी टीचर का कि आप लोग अपने जो आने वाले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपके जो भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो इन 2-3 महीनों में आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट कर सकते हैं। आप लोग की जो क्लासेस चल रही है वाईफाई स्टडी के द्वारा यूट्यूब पे, आप लोग उनको कंटिन्यू रखिए, मतलब अभी बिल्कुल गैप ना दीजिए। और जैसे आप लोग का पेपर आएगा, मतलब वो एक सुपर ठंडी का डायलॉग है ना, जब समय आएगा सबसे लंबी छलांग हम ही लगाएंगे। तो बस वही बात है, आप लोग प्रिपरेशन रखिए, जब टाइम आएगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद में, तो आप लोगों को आपके जो प्रिपरेशन है उसका मेहनत का जो फल है वो जरूर मिलेगा आपको।
ठीक है, तो बात कुछ बाकी की बात करते हैं शिप्रा मैम से, वो क्या आपको एडवाइस देना चाहेंगे शिप्रा मैम? सर एक चीज है यहाँ पे, जैसे आपने बोला ना, बाकी तीनों लोगों ने बोला, आप टीचर्स ने, एक चीज है ना कि कई, या तो इस टाइम को आप वेस्ट करो सोचने में, सोशल मीडिया में जैसे बोला, या नेगेटिव चीजों में, मूवीज में, वेब सीरीज, ठीक है ये दिस इज द पार्ट, बट यू कैन नॉट एक्चुअली एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो अभी ये तो है ही कि एग्जाम है ही, एग्जाम तो आने वाला है, और अगस्त के आसपास कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कोई ना कोई एग्जाम श्योर शॉर्ट होने वाला है, या तो कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो एग्जाम की भी डेट आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है रेलवे बैंक तो करवा ही लेगा एग्जाम, ऐसा है क्योंकि बैंक कौन लेगा सर, रेलवे का आपको पता है जेई का 15 दिन के अंदर इन्होंने एग्जाम करा लिया था 2019-20 वाला जो था। तो देयर इज नथिंग लाइक, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को या तो टाइम वेस्ट करिए या टाइम यूज करिए इसको ना, और जो सर अच्छे बच्चे हैं ना, दे आर डूइंग दिस, वो इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, अपना कंटेंट उठा के देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जितना उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं कर रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट, प्लीज कंसिस्टेंस रहिए और ओबीडियंट रहिए, ये नहीं आज क्लास कल, आज करा पॉपकॉर्न की तरह फिर परसों आए, ये वाला नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए सारे सब्जेक्ट्स में, तो अच्छा रिजल्ट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैम ने बताया कंसिस्टेंसी, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मैं मोटिवेट नहीं हूँ, मोटिवेट नहीं हूँ, तो मान लीजिए आप लोग फॉर एग्जांपल, आप कोई पर्टिकुलर डे आप मोटिवेट हो अच्छी तरीके से, आपने उस दिन 4 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन भी आप लोग मोटिवेट हो 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मान लीजिए अगले दिन आप लोग मोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है कि कभी है, एक दिन आप राजा हो एक दिन भिखारी हो, मतलब इसमें तो ये वाली चीज है। तो अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं रहता तो ऑब्वियसली बात है आप लोग उस दिन 4 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, बट अगर आप लोग अपने डिसिप्लिन पे ज्यादा विश्वास रखते हो तो 4 घंटे चाहे आपके पास में उस दिन मोटिवेशन नहीं भी हो, लेकिन आपने डिसिप्लिन कर रखा है नहीं मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो मोटिवेशन जहां पर आप लोग को डुबाना चाह रहा था, मतलब मोटिवेशन नहीं होता तो आप 4 घंटे नहीं पढ़ते, बट आपके पास में डिसिप्लिन है तो आपने वो 4 घंटे पढ़ लिया, तो इन केस अगर मोटिवेशन नहीं भी होता है तो डिसिप्लिन विल कैरी यू फॉरवर्ड, है ना, तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पे जरा ध्यान रखिए, मोटिवेशन वगैरह टेम्पररी चीज है ना, और आप लोग उस केस में मोटिवेशन आता है तो वो आपके लिए डबल बेनिफिट है ना, तो मोटिवेशन कोई मतलब, ये तो मोटिवेशन तो एक दवा की तरह है, ये तो मतलब बच्चों को क्या जबरदस्ती लेनी है कि मुझे इससे सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट तो मोटिवेशन खुद बना सकता है, कोई उसको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, दैट इज मोर इंपोर्टेंट, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन ऐसा तो है नहीं कि बाजार में मिलता हो कि भाई आज साहिल सर ने, साहिल सर के पास ज्यादा है इनसे ले लेते हैं, या दीपक सर ने ज्यादा दे दिया इनसे ले लेते हैं, नीरज सर ने ज्यादा दे दिया उनसे ले लेते हैं, तो मोटिवेशन तो ऐसी चीज है जो स्टूडेंट सेल्फ क्रिएट करता है, और अगर उसको उसका व्यसन हो जाए, आदत पड़ जाए कि भाई अब तो मैं मोटिवेशनल क्वेट के बाद ही पढ़ूंगा, उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, तो ये तो फिर मतलब वो पढ़ना चाह ही नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि चीजें वहां से बनती नहीं है ना, चीजें तो मोटिवेशन क्रिएट किया जाता है, मोटिवेशन किसी से लिया नहीं जाता है, या ना कोई लेने देने वाली चीज नहीं है मोटिवेशन। सर इसमें एक फ्री चीज है, इस टाइम पीरियड में कई बच्चे तो बोझ समझ रहे हैं कि अरे इतना खिंच गया, ये हो गया, वो हो गया, और कई बच्चे ना इस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कोई मैथ्स का पर्टिकुलर टॉपिक आज बढ़िया समझ आ गया तो दिल हैप्पी फील हैप्पी करेंगे, साइंस का या कोई जीके का या करंट अफेयर की कोई न्यूज इतनी अच्छी लगी ना तो दिल फील हैप्पी और जानने की कोशिश करेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो। कुछ लोग उसको फिर वही है कि डीमोटिवेटेड फॉर्म में लेके हाँ ठीक है आज ये कर लिया चलो इतना हो गया, वो वाला सेक्शन ना करें ना, एक बार खुश हो गए पढ़िया, और सर इतने बड़े करियर में ना मतलब 6-7 साल जो पढ़ाया है ना, इतना मुझे समझ आ गया है कि जो बच्चा रेगुलर होता है ना उसका एग्जाम ना निकले इसका तो सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता exactly. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे बच्चे प्लीज भैया रेगुलर रहिए आप लोग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। तो देखिए गाइस ये वाला जो वक्त था ये सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट फॉर यू, हमारे लिए सबके लिए जो है वक्त बहुत डिफिकल्ट रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को जो है रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपने देखा होगा वाईफाई स्टडी के ऊपर शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में जिस दिन आपको क्लास नहीं मिली होगी, या उस दिन सारे रेलवे के क्लासेस या SSC क्लासेस नहीं हुई होगी, मतलब आपने शायद इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन वो भी घर में रह के कोविड के टाइम पे, सबके लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, नीरज सर के भी कोविड हुआ है, इनके फैमिली में भी हुआ है, साहिल सर के भी हुआ है, शिप्रा मैम ने बहुत देखा है, तो गाइस सबके जगह पे जो है आज के मानने में बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन सबने इतनी कंसिस्टेंसी रखी है, इतना डिसिप्लिन रखा है, तो आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए, जब आपको क्लास अवेलेबल करवाने वाले, जब आपको 99.99% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको 100% की बात कर रहा हूँ, पिछले 1.5-2 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो 100% आपको क्लासेस जो कि मिली है,
तब आपको इतना कुछ अच्छी तरीके से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखें ना कि यहाँ पे तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इज द ड्रिवन की, तो ये ड्रिवन की जो है आपके को अपने आप में क्रिएट करने की जरूरत है। मुझे मालूम है मुश्किल वक्त है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही होगी, जॉब चली गई होगी, ओके, सोशली प्रॉब्लम हो रही होगी, इमोशनली हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, बहुत तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे देखो सिंपल सी बात है, आपका स्ट्रगल जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। 2-3 महीने की बात है, अच्छी तरीके से लगे रहो, जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना ही ज्यादा जल्दी ओवरकम करोगे चीजों से, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। साथ में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेबस को लेकर पूछते हैं, तो गाइज देखिए सिलेबस आपका बहुत बार यूट्यूब पे हो चुका है, वापस से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे और क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले शिप्रा मैम, साइंस के अंदर अभी बायोलॉजी के अंदर कितने टॉपिक्स है पिछले 1 महीने में अपन करवा चुके हैं, अगर 1-2 महीने की बात करें तो? सर एक्चुअली हमारे दोनों जगह सब कुछ चल रहा है, तो क्वेश्चंस वगैरह सारे कुछ करा दिए, स्टैटिक जीके में इतना करा दिया, 3.5-3 घंटे लगातार क्लास लेके 2000 क्वेश्चन तक मैं करा चुकी हूँ, और रिवाइज भी करा चुकी हूँ, डिटेल में भी दे चुकी हूँ, PDFs भी दे चुकी हूँ, तो अब ये करने वाला काम रहेगा ना। देखिए सर, वही आपने बोला ना, जब हम क्लास में आते हैं ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के पढ़ाते हैं, शायद उस 1 घंटे कुछ दिमाग में नहीं आता ना, लगता है पढ़ा दो, जब क्लास खत्म होती है तो वापस उसी मोड पे चले जाते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है। तो उसी तरीके की ना मोटिवेशन करनी पड़ेगी। स्टैटिक जीके और साइंस का काफी ज्यादा सेक्शन करा दिए, जितना करा है उसको रिवाइज करते जाइए, और जितना आगे कराने वाले हैं उसको थॉरली करते जाइए, ये शायद और 100% ना यहीं से चीजें कवर हो जाएंगी आपकी ना सर। बिल्कुल। और नीरज सर आपका क्या चल रहा है, 9:30 बजे वाली क्लास बंद हो गई चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर, अभी तो चल रही है तो उसमें भी मतलब ये मेरी बंद हो गई इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, एक बार पूरा कोर्स कर, तो अभी मैंने वापस स्टार्ट करा है, तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जिसको डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल 9:30 बजे क्लास लीजिए। मैथ्स की चल रही है 11 बजे, सुबह 9 बजे डीके से प्रवीण पढ़ा रही है, तो मतलब क्लासेज की कोई कमी नहीं है आपके पास, बस आप लोग रेगुलर रहिए, क्लास में आपको नया मिलेगा। जैसे आपको लगता है ना कि मैं तो हर स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा, देखो यार डर के मत पढ़ो, एंजॉय करने के लिए पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो। बच्चे स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये हो चुकी है, एडमिट कार्ड आएगा उस दिन डर लगेगा, उस दिन ऐसा कुछ साहिल सा जादू कर देंगे कि मैथ आने लग जाएगी। भाई साहिल सा तो जादू अब कर रहे हैं इस समय में, तो वो जादू बरकरार है, वो अगर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो सारी चीजें बेटर होती चली जाएंगी। और यहाँ आपके यार एक से एक महारथी बैठे हैं यार, जनरल साइंस तुम पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, शिप्रा में स्टैटिक जीके पढ़ा रही है, नीरज सर जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, जीके भुवनेश्वर ने पढ़ा रखी है, मैंने पूरी मैथ पढ़ा रखी है। अगर कोई बच्चा मन लगाकर उन YouTube की क्लासेस को देख लेता है, रेगुलर क्लास देख लेता है, तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है भाई, बता रहा हूँ। ब्राजील ब्राजील के एग्जाम तो अपने से बहुत हल्के आते हैं, आप जाकर देखो तो सही उनका क्या है। अब ये थोड़ी है कि भारत की जनरल साइंस अलग है और ब्राजील की जनरल साइंस अलग है, सेम ही है चीजें, तो ऐसा कभी नहीं है सर। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग मैंने मैथ्स का पेपर देखा, इतना ईजी आता है वहां का, तो मतलब हम तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेके बैठे हैं, तो चीजें क्या है कि मतलब बढ़िया है। पहले अनअकैडमी ब्राजील में भी खुला था ना, तो उसमें मैं मतलब फॉरेन में भी जा चुके हैं ना अनअकैडमी की ब्रांचेस और ऑफिस, तो वहां मैंने देखे थे कुछ एजुकेटर्स वहां पढ़ा रहे थे, तो वहां पे मैंने देखा कि मैथ्स का क्या पेपर करा रहे हैं, तो देखा तो वैसे ही था, मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं था, आसान था उल्टा। तो ऐसे देखते रहते हैं कि भाई चीजें क्या है, एग्जाम आपको मालूम है पहले डिस्कस हो चुका है कि अगस्त के अंदर जो है मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। जून और जुलाई के अंदर केसेस इतने डाउन हो जाएंगे कि सरकार के लिए भी एक तरीके से कंपलसरी हो जाएगा एग्जाम करवाना, पहले CHSL भी हो जाएगा, उसके बाद CGL हो जाएगा, उसके बाद आपके रेलवे का एग्जाम भी जो है वो आसपास ही है जो कि उसके हो जाएगा, ठीक है गाइस। और बैंक के एग्जाम तो आपको मालूम है रुकते हैं, तो वो तो चलते रहते हैं, तो आपके पास में एग्जाम भी है, आपके पास में सिलेबस है, 2 महीने के बाद है, रेगुलर पढ़ाई करिए, अपना शेड्यूल बनाइए अच्छी तरीके से। आपके लिए यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस हो रही है आपके पास, और आप कमी अगर आपके पास तो स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों के लिए चल रही है, तो यार दिल लगा के पढ़ाई करो, उतना कुछ आपके पास में घर बैठे अवेलेबल हो रहा है, और इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपको क्लासेस दे रहे हैं, उसके अलावा और आपको क्या चाहिए, मतलब वो वाली बात है। अगर फिर भी आप नहीं करोगे तो इसके रेस्पॉन्सिबल जो है वो ना तो कोई किस्मत होगी, ना ही कोई गवर्नमेंट होगी, ना ही जो है कोई और प्लेटफॉर्म होगा, वो आप ही की लूपहोल होगा कि आपने जो है अच्छी तरीके से टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। अभी भी अपने पास में 2 महीने है, रिविजन करो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दो, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो, नहीं हुआ है 1 महीने में सिलेबस करो, 1 महीने में लास्ट है जो कि टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है गाइज।
उम्मीद करता हूँ कि काफी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे सेशन में जानने को मिली होगी, और इसी तरह के सेशन गाइस आगे करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, उसका आंसर है जो कि आपको कोई भी कर देगा। नेक्स्ट पैनल मीटिंग में जरूर डिस्कस किया जाएगा वो डाउट, है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली, जो भी आपके हाँ कंप्लेंट्स है या जो भी आपके यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है, वो अगली वाली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।